नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश। स्वागत है आप सभी का वी मेक क्रिएटर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो फोर टाइप ऑफ मिथ जो हम जनरली यूट्यूबर्स ये हम हमेशा लेके चलते हैं कि चलो कॉपीराइट में ये चीज़ तो होती होगी। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट मिथ होता है क्रेडिट देना। जनरली हम किसी चीज़ का पिक्चर्स लेते हैं और उसकी क्रेडिट डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, और कई यूट्यूबर्स ने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है कि हाँ, अगर क्रेडिट दे दो आप तो इट मींस कि आप कॉपीराइट फ्री हैं। तो ये चीज़ गलत है। कुछ वीडियोस हैं, कुछ वेबसाइट है, जैसे कि मैं बात करूँ video.pixel.com या फिर अपना फ्लैट आइकन जहाँ से आप पिक्चर्स या फिर क्लिप आर्ट्स लेते हैं, SVG फाइल लेते हैं, ऐसी वेबसाइट पे क्या है, या तो पेड खरीदिए, नहीं तो अगर आप उनकी पिक्चर्स यूज़ करते हैं तो पर्टिकुलर जो ऑथर है, क्रिएटर्स हैं, उसके लिंक को आप वहाँ पे डाल सकते हैं, वो वहाँ पे दे देगा। फिर बात आती है सर फेयर यूज़ पॉलिसी। बहुत सारे लोग क्लिप यूज़ करते हैं तो कहते हैं सर ये फेयर यूज़ पॉलिसी के अंडर में आएगा। तो सबसे पहली बात कि अगर आप क्रेडिट दे देते हैं तो ये नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा यूट्यूब खुद कहता है, जो मिथ है। नीचे लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है कि हम उसको फेयर यूज पॉलिसी जो नॉन प्रॉफिट है या फिर एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉन प्रॉफिट मैं बता दूं कि जो सोशल कैंपेनिंग वीडियोज होती है किसी सोशल मैसेज के ऊपर, कोई NGOs के लिए आप वीडियोज बनाते हैं जिनका मोटो प्रॉफिट करना नहीं है। और सेकेंड एंटरटेनमेंट, फॉर एग्जाम्पल कैरी मराठी जो वीडियो रोस्ट करते हैं जिनकी, तो आप सोचते होंगे कि यार इससे तो कॉपीराइट पड़ सकता है, मतलब फ्री है क्योंकि सब डाल रहे हैं तो फ्री है, मतलब हम तो भाई फेयर यूज पॉलिसी के अंडर में सम कुछ पार्ट, चाहे वो 3 सेकंड 5 सेकंड, ये 3 सेकंड 5 सेकंड है ना दोस्त, ये सिर्फ ऐसे क्रिएटर ने बना बना के आपको दिया हुआ है। कोई रिटर्न ऐसा नहीं है कि 3 सेकंड की क्लिप यूज करनी है एंड इतना कहता है कि कोर्ट, क्योंकि हर कंट्री का ना अपना अपना फेयर यूज पॉलिसी है, चाहे अमेरिका हो, इंडिया की अलग फेयर यूज पॉलिसी है। बट अगर आप इंडियन फेयर यूज पॉलिसी पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा है, इसमें डिटेल में वीडियो बन सकती है। लेकिन इतना सिर्फ है कि अगर इस पर सूट फाइल होती भी है तो कोर्ट भी या जो भी जजमेंटल पर्सन है वो उस चीज़ को कम्प्लीटली डिटेल करता है कि क्या ये कम्प्लीटली वो इसी क्लिप को लेके सामने वाला कम्प्लीट पैसे बना रहा है एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर उसका एक अपना सेगमेंट था उसमें ये वाला क्लिप आना बहुत जरूरी था, चलो उसने एंटरटेनमेंट के लिए लगा दिया। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है अगर आप एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी वीडियोस को देख रहे हैं तो। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एंटरटेनमेंट या फिर फेयर यूज़ पॉलिसी या इसके लिए नॉन प्रॉफिट और एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए हमेशा, क्योंकि किसी की भी प्रॉपर्टी आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर सामने वाला क्लेम करता है तो वो वीडियो आपकी टेक डाउन भी हो सकती है, और व्हाटएवर, चाहे आपको स्ट्राइक देनी हो तो वो स्ट्राइक दे सकता है, सारी चीज़ें वो कर सकता है अगर वो चाहता है तो। आपने देखा होगा बहुत से क्रिएटर्स वीडियो डालते हैं लेकिन उनकी वीडियोस आपको लगता है इस पर तो ऐड भी आ रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, क्या पता वो नोन में ना हो, पता ना चल रहा हो उसको सामने वाले को। जैसे ही पता चल गया अभी मैच शूज आया है तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना ज़्यादा इन चीज़ों को अवॉइड करें, अवॉइड करिए, नहीं तो फ्यूचर में जाके आपको इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों, थर्ड पॉइंट ये है कि सर अब बहुत से लोग क्या करते हैं, उसकी थोड़ी सी क्लिप दिखाई फिर बोला अच्छी खासी क्लिप, मतलब फोकस उसी पर रहता है। और नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ उस वीडियो का, वहाँ जाके देख लो, चाहे मान लीजिए कोई सॉन्ग यूज़ कर लिया, सामने वाला है आप पे फिर भी कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। तो ऐसा बिल्कुल अवॉइड करिए इन चीजों से, क्योंकि अभी तो ठीक है, मान लीजिए उनको पता नहीं चल रहा, वो आपके फ्रेंड है या व्हाटएवर, किसी भी चीजों में अगर आप इस चीज को लेके चल रहे हैं आगे चल के प्रॉब्लम हुई, स्ट्राइक पड़ सकती है। तो हमेशा अवॉइड करिए इन चीजों को, क्योंकि किसी की प्रॉपर्टी, किसी का कैरेक्टर्स, किसी का बेसिकली अपनी वीडियो में प्रॉपर्टी कहते हैं किसी भी कैरेक्टर्स को, तो इन चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हैं तो हमेशा इनसे बचिए और इस चीज़ का ध्यान रखिए। और साथ में मैं दोस्तों आपको बता दूं कि हमारा नेक्स्ट दिल्ली मीटअप हो रहा है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अनाउंस कर दूंगा मैं। दिल्ली मीटअप है, फ्री है, सब कुछ मिलेंगे वहाँ पे, और हम जो अपना कॉपीराइट फ्री कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हैं उसमें कई लोगों से कॉन्टैक्ट कर चुका हूँ मैं। अप्रॉक्स अब तक 1700 फॉर्म लोगों ने भर दिए हैं, जिसमें तकरीबन बहुत कैसे क्रिएटर हैं जो 2 लाख से ऊपर वाले हैं, वो सब आएंगे वहाँ पे, तो बड़ा मजा आएगा, वहाँ पे मिलेंगे और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और वहाँ पे हेल्प होगी कि हम उस कम्युनिटी से जुड़ेंगे, और बहुत सारे हमें म्यूजिक्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, वीडियोस होगी फ्री में मिलेगी, इंडियन स्टॉक जो फुटेज है वो फ्री में मिलेगी। तो बहुत कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो बने रहिए इसके साथ। और मुझे लगता है कि 2-3 मिथ्स जो थे वो आप सबको वो क्लियर हो गए होंगे वो कॉपीराइट के ऊपर। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो भी बताइए, क्योंकि रेगुलर वीडियोस मिलती हैं। नोटिफिकेशन बेल तो हमेशा ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं वही चीज़ बताता हूँ जो आपके लिए हेल्प के लिए है। और साथ में हमारा एक अपना एक मूवमेंट है जो हम बच्चों को यूट्यूबर्स खुद, मैं मेरे खुद के कोर्सेज हैं वो मैं बच्चों को देता हूँ, और सारी डिटेल के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
सारी बात आपको पता चल जाएंगी। और बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।